सत श्रीकाल जी, न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ कुलवंत सिंह। मेरे नाल अज एक बार फिर एक नवे मेहमान, तो अज जिहड़ा ये तजर्बा साडे नाल सांझा करनगे वह एक अजिहा तजर्बा है जिस बारे असी पहला भी एक दो वारी गल कर चुके हैं, और वह एक अजिहा तजर्बा है जदों वह समस्या बॉडी दे विच आउंदी है तां मॉडर्न मैडिकल साइंस कहती है भी इहदा कोई इलाज नहीं, सारी जिंदगी दवाइया खाओ, सारी जिंदगी एक अजिही तकलीफ चो लंघो जिहड़ी ना दसी जा सकती है तो ना किसी नूं समझाई जा सकती है, सिर्फ तो सिर्फ उही महसूस कर सकता है जिसनों तकलीफ हो रही होंगी है। ओनली द वेयर नो वेयर द शू पिंसिस, आप सिर्फ इन्ना ही कह सकते हैं। लेकिन जदों इहदा इलाज नहीं हुंदा फिर वह बंदा डॉक्टर बदलता, डॉक्टर बदल के फिर तीजी पद्धति जाता, जदों सारे पासों हार जाता फिर एक समा अजिहा आ जाता कि जदों हार के बैठ जाता तो उसनों इदा लगन लग जाता कि मेरी मौत हुण नेड़े है, पर नहीं। ये वीडियो थोनों एक बड़ा वड्डा जिहड़ा वो थोड़े वास्ते अंदर एक आस की किरण जगाएगी कि जे ये ठीक हो सकते हैं असी भी ठीक हो सकते हैं। किदा ये किहड़े हालातों में लंघ के अज साडे नाल एक समाइल लैके तजर्बा साझा कर रहे हैं, आप इन्हां दे मुँह चों जाणदे हां। सत श्रीकाल जी, क्या नाम आपका? सत श्रीकाल जी, मेरा नाम रिद्धि सेठ है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बताएं, परिवार में कौन कौन है, कितना पढ़े लिखे हैं, और मतलब बाय प्रोफेशन क्या है? बाय प्रोफेशन मैं रिटेल मैनेजर हूँ और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे छोटी डॉटर है एक, शी इज़ लाइक 10 ईयर्स, आई हैव गॉट हस्बैंड एंड मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ एट होम, सो दैट्स माई फैमिली। ग्रेट। सो आपकी शादी कब हुई थी? इट्स बीन लाइक 10 ईयर्स टू माई मैरिज एंड ये प्रॉब्लम मुझे कुछ टाइम से स्टार्ट हुई, नवम्बर 2021 में स्टार्ट हुई। अच्छा, वो उस दिन जब ये पहली बार आपको ये समस्या हुई थी, क्या हुआ था उस दिन? पहले तो मुझे लगता था ये नॉर्मल कोई फूड पॉइजनिंग हुई है, मुझे बार बार मोशन जाने पड़ते थे। फिर ये मैं डॉक्टर के पास गई, जैसे जनरली हम सब जाते हैं, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और बोला ये हफ्ता खाओ और ठीक हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं। वो उस दिन क्या हुआ, मतलब स्टूल में वो ब्लड भी आ रहा था, म्यूकस भी? ब्लड आना शुरू हुआ एक हफ्ते के बाद जब मैंने उनकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी, जो नॉर्मल मेडिसिन देते हैं ये फूड पॉइजनिंग वाली, वो मैंने खाई एक हफ्ता, तभी भी वो क्योर नहीं और ब्लड आना शुरू हो गया। यानी कि आपको ये लगा कि मैंने मेडिसिन खाई है तब उसकी वजह से ब्लड आना शुरू हो गया? मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेडिसिन खा के, मुझे ऐसा लगा ये अभी तक ट्रीट नहीं हो रहा तो इसकी वजह से ब्लड आने लग गया। कुछ और कुछ अंदर हो रहा है जिसकी वजह से, गर्मी की वजह से शायद, जैसे हम जनरली सोचते हैं ना गर्मी हो गई पेट में, तो ऐसा कुछ खा लिया कि जिसकी वजह से ब्लड भी आना शुरू हो गया। तो आप डॉक्टर के पास दोबारा गई भी? मेरे साथ तो ये समस्या हो गई। हाँ जी, मैं दोबारा गई तो उन्होंने बोला कि आप एक बार ही कोलोनोस्कोपी कराओ, तो ये नहीं मुझे ठीक लग रहा है, ये फूड पॉइजनिंग नहीं है। तो फिर कोलोनोस्कोपी में आ गया कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। वो सामने स्क्रीन पे दिखाया आपने? हाँ, उन्होंने दिखाया। क्या मशीन था वो? उन्होंने ये सारा दिखाया, अंदर छाले छाले थे और ब्लड तो मुझे नहीं समझ आया उस समय, क्योंकि वो थोड़ा सा सेडेटिव भी डाल देते हैं। बाद में उन्होंने मुझे सब एक्सप्लेन किया कि वो छाले हैं और वही ब्लीड करते हैं, तो इस तरीके से ही ब्लड आता है। बट इट वॉज अ हॉरेबल सिचुएशन, आप वॉशरूम से ही बाहर नहीं आते हो, मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ वॉशरूम और रूम इतनी ही रह जाती है। कितनी बार दिन में जाना पड़ता? दिन में करीबन 10 से 15 बार, और इससे इंक्रीज ही होते जा रहा था वो, मतलब कुछ कमी नहीं आ रही थी दवाइयाँ खाने के बाद भी। तो रात को भी बुरा हाल रहता है? बुरा हाल रहता है सर, खाना तो खाने से डर लगता था कि मैंने खाना है कुछ भी, तो मुझे वॉशरूम तो वैसे ही जाना पड़ रहा है, और खा के तो और भी डर लगता था। वे आई वाज सो स्केयर्ड बाय द टाइम आई रीच्ड हेयर, कि मुझे ट्रैवल करके अगर दिल्ली से चंडीगढ़ आना तो भी मैं इतनी स्केयर्ड थी कि मैं इतनी दूर तक ट्रैवल किस तरह करूँ। क्योंकि अगर 15-20 बार अगर हमने मतलब मोशन आ रहे हैं तो इन बिटवीन तो हमें ट्रैवल तो कर ही नहीं पाएंगे। वेरी ट्रू, मतलब और ये थोड़ी शर्म भी आती है, लाइक आप किसी से, हर किसी से चीज़ शेयर नहीं कर सकते। तभी मैंने पहले ही बोल दिया ना, जिस तन लागे सो तन जाने। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपकी रिलेट करती है कि जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो ये मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ यहीं पे एंड हो गई है। आप वॉशरूम से ही बाहर नहीं आते हो, तरह तरह की आवाज़ें पेट से आती हैं, एंड रात को उठ उठ के जा रहे हो, यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर मोशन पार्ट, यू हैव टू रन एंड रश टू द मोशन यू नो एरिया। सो रात को कितनी बार जाना पड़ता? रात को भी 2-3 बारी 4 बारी उठता रहे। और इसमें एक और चीज़ मुझे क्रिएट हुई, शायद औरों को भी होती होगी, स्लीपलेस नाइट होती हैं, रात को नींद आती ही नहीं थी, नींद सबसे बड़ी डिस्टर्ब होती थी। तो ऐसा लगता होगा कि मतलब एक अजीब सा माहौल हो जाता, क्योंकि सारी रात जागना
और बैठना बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल था। और सबसे ज़्यादा बड़ा जो टॉर्चर मुझे लगा, जो आप झेल रहे हो वो तो आप झेल ही रहे हो, फिर बाय द टाइम आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं सर ये कब तक ट्रीट हो जाएगा, जैसे मोशन लगते हैं आप कुछ टाइम दवाई खाते हैं वो असर कर जाती है, उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद वो बंद कर देते हैं, तो आपकी हिम्मत एक्चुअली वहाँ टूटती है जब डॉक्टर कहता है ये आपको लाइफ लॉन्ग खानी है, ये लाइफ लॉन्ग ये सिचुएशन यही सिचुएशन रहेगी, ये कभी ठीक नहीं होने वाली। जिस तरह आप बीपी की दवाई खाते हो, आप शुगर की दवाई खाते हो, कहते हो कभी जाती है, लाइफ लॉन्ग डिसीज़ है ना, ऐसे ही ये भी है। तो वहाँ आपका हौसला वैसे ही टूट जाता है कि इस तरह 12 बार मोशन जाके इतनी दवाई खा के भी आप जा रहे हो, आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। एंड आई हैव अ स्मॉल डॉटर, आई हैव दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू टेक हर यू नो टू द पार्क, सम प्ले यू नो एरिया, स्कूल, वो सब चीज़ें मेरी डिस्टर्ब हो गई। ये पूरी परिवार में कौन कौन है, घर पे कौन कौन है जो आपको, मुझे, मैं जानना चाहता हूँ कि और भी मदद के लिए था घर पे? मेरी मदद के लिए मेरे हस्बैंड ऑलवेज ही इज़ देयर, बट इनका भी काफ़ी बाहर का रहता है, ऑलमोस्ट ही इज़ यू नो गोइंग आउट। एंड उसके बाद मतलब मेजरली तो मैं अकेली होती थी, आई हैव अ मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ के साथ भी शी इज़ ऑल्सो एजेड, तो बट लाइक इट वॉज लाइक काइंड ऑफ नो सपोर्ट। तो एक हालात ऐसे तरस वाले हो गए होंगे कि क्या करूं, कि मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, घर भी संभालना है, शरीर भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है, बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें हो रही थी। फिर मैंने एक बार ये वीडियो देख लिया, तो फिर मुझे लगा कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ, क्या पता, मुझे इतना नहीं हो रहा था कि आयुर्वेद से मेरा हो जाएगा कुछ। उस पर आते हैं, पहले ये बताइए कि जब आपको ये समस्या आनी शुरू हो गई थी तो आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि ये लाइफ लॉन्ग आपको ये रहेगी समस्या, तो जब आप दवाई खाते थे तो क्या जो एलोपैथी वाली दवाई, स्टीरॉइड्स भी देते होंगे वो आपको, और वो दवाई कहा था, पर मैं क्योंकि डायबिटिक हूँ तो फिर मैंने खुद से ही सोचा कि मुझे स्टीरॉइड पे नहीं जाना है, आई हैव टू लुक सम अदर वे, तो तब मैंने ये सर्च करना शुरू किया कि इसके अलावा क्या। होम्योपैथिक भी एक दो बार लिया पर मुझे कुछ खास नहीं लग पाया। मुझे पूछने वाला था कि क्योंकि आप वो स्टीरॉयड भी दे देंगे, वो आपको प्रीबायोटिक्स भी देंगे, वो आपको पेन किलर भी देंगे क्योंकि आपके पेन भी होगा, तो ये चीज़ें मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो दवाइयाँ ले रहे थे इससे आपको मोशंस और वो ब्लड वो बंद हुआ कुछ? ऐसा सच तो नहीं हुआ, वो हर चीज़ की दवाई जिस तरह देते ना कि कोल्ड हो तो आप ये लो और खांसी हो तो ये लो, यही मुझे इसी तरीके से दवाई दी जा रही थी कि ज़्यादा स्टूल आए तो ये 3 बार ले लो दवाई जो दी है, ब्लड आए देन SOS ये वाली दवाई खानी है, इस तरीके से दवाई दी जा रही थी। वो चीज़ें ना मतलब दवाई खा के थम जाती थी कुछ टाइम के लिए, बट वो थी ऐसे मैं ठीक हो रही हूँ वो दवाई खा के वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। यानी दवाई खा रहे हो तो वो सारा दिन निकल जाता था बिना ऐसे कि वो उसके बावजूद भी होता था, बस ये था कि जैसे जो अगर मैं 10 टाइम जा रही थी तो हो सकता है मैं 8 टाइम जाऊँ, उतना ही बस माइनर फ़र्क था। अच्छा, तो जब आपको ये समस्या आपकी क्योर नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर के पास गए तो कुछ डॉक्टर चेंज करने की सोची आपने? मैं जिन डॉक्टर के पास जाती थी तो वो मुझे, मैं काफ़ी टाइम से उनको जानती हूँ, तो मुझे पता था कि अगर मैं एलोपैथिक में जा रही हूँ तो ही इज़ द बेस्ट वन, तो लेकिन अब जब उन्होंने ये कह दिया कि और कुछ इलाज नहीं है तो देन आई हैव टू फाइंड आउट सम अदर वे, क्योंकि कहीं भी आप जाएँ तो मेडिसिन तो वही हैं सेम, सब डॉक्टर्स की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ सेम, या तो आई थॉट कि वाई नॉट चेंज द एंटायर यू नो प्रोसेस, वाई नॉट फॉलो समथिंग एल्स, आई वेंट टू होम्योपैथी देन। एंड मैंने वो हफ्ता 10 दिन, मेरे ख्याल मोर देन दैट, आई थिंक 15 डेज ऑलमोस्ट आई हैड दैट ऑल्सो, तो मुझे इतना असर नहीं हुआ क्योंकि जिस फ्रिक्वेंसी में मैं मोशन जाती थी वो होम्योपैथिक दवाई मुझे नहीं लग पा रही थी, तो वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कितना देर आपने होम्योपैथी भी खाई है, उनके साथ कंसल्टेंसी ली आपने? सर ऑलमोस्ट लाइक 15 डेज, 15 डेज एक स्ट्रेच पे खाया तो मैंने। वेट तो करना ही होता ना, जब दवाई ले रहे हैं तो वेट तो करना ही, जब असर करने को कुछ तो टाइम देना ही पड़ेगा। मैंने 15 दिन तो लगातार खाई, लेकिन मुझे हौसला तो टूटा, मुझे कुछ इमीडिएट इफेक्ट वाला चाहिए था कि जो मैं खा लूँ 10 दिन बाद तो एटलीस्ट कुछ तो फ़र्क आए ना, वो वाली बात मुझे नहीं उस समय लगी। तो इसके अलावा फिर मतलब क्योंकि दिसंबर 21 और ऑलमोस्ट अभी अक्टूबर स्टार्ट होने वाला, अब 11 मंथ में है हम लोग, तो इस दौरान आपने कहीं और भी ट्राई किया? नहीं सर, एक्चुअली मैं सर्च कर रही थी नेट पे कि कुछ रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ मिल जाएं, तो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, एक्चुअली एलोपैथी में ना आपको कुछ नहीं बताते, परहेज नहीं बताते, बस वो अपनी दवाई देते हैं, सब कुछ खाओ बस मिर्च मसाले थोड़े कम खाओ, यही डॉक्टर्स ये भी नहीं बताते कि आपको बीमारी क्या है, वो थोड़ा नाम बता देते हैं और ये बताते नहीं अंदर क्या हो रहा है,
कोई परहेज़ नहीं था, सब कुछ खाओ जैसे खाते हो, हमारी मेडिसिन खाओ और साथ में बस इतना करो कि मिर्च मसाले थोड़े कम खाने। तो कुछ साइड इफेक्ट हुए उससे? सर मुझे तो नहीं पता चला, ज़रूर हुए होंगे, जब कुछ ट्रीट ही नहीं हो रहा तो डेफिनेटली जो एलोपैथिक दवाइयाँ छोड़ती हैं साइड इफेक्ट वो तो रहा होगा। मतलब मैं कुछ मेकआउट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं खुद ही इतनी वर्स सिचुएशन में थी, मेरे लिए वही सबसे बड़ा साइड इफेक्ट था जो हो चुका है। अच्छा आप बोल रहे थे कि मेरे को नींद नहीं आती थी रात रात भर, तो नींद ना आना एक आगे चल के डिप्रेशन का कारण बनता है, डिप्रेशन माइग्रेन ये भी आपको हुआ? माइग्रेन मुझे शूट अप होता था, तो फिर जब मैं इधर आई सर को तो मैंने बताया मुझे, मतलब आई ऑलमोस्ट गो थ्रू द स्लीपलेस नाइट। ऐसे नहीं होता था कि दिन में भी मुझे नींद आ जाए, वो साउंड स्लीप नहीं आती थी, मे बी एक आध घंटा बॉडी को रिलैक्स करने के लिए सो जाती थी, पर इट वॉज अ बैड इफेक्ट, स्लीप डिप्राइव पूरी तरह थी मेरी। तो आप बता रहे थे कि आपने उसके ऊपर नेट के ऊपर सर्च करना, नेट पे मैंने कुछ ऐसी होम रेमेडी सर्च करनी शुरू करी, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, थोड़ा रिलीफ आए। फिर सर का वीडियो देखा, इनका डाइट चार्ट उसमें नेट पे है कि क्या क्या खाना चाहिए अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो मैंने वो डाइट चार्ट देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एटलीस्ट कोई है जो इस प्रॉब्लम को समझ रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और फिर कोई है जो आपको गाइड भी कर रहा है कि करना क्या आगे। हमें तो कुछ नहीं पता होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या खाना है क्या नहीं खाना, मैंने फॉलो किया, फिर मैं उनके ना वीडियोज़ थॉरली लाइन अप करके देखती गई एग्जैक्टली कि वो हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर कई लोगों के मैंने वीडियोस देखे जो बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स बताते थे कि बहुत अच्छा है। फिर एक कंसेप्ट माइंड में ये भी था कि आयुर्वेदिक मेडिसिंस बड़ी गर्म होती हैं, मैं खाऊं तो मुझे प्रॉब्लम ही गर्मी की है, ये कहीं मुझे और बैड इफेक्ट ना दे दे। देन फिर आई थॉट कि नहीं, ये इनका जो डाइट चार्ट है ना, एटलीस्ट दैट आई कैन स्टार्ट फॉलोइंग, देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिज डाइट जो आने से पहले जो सर ने बताया कि खट्टी चीज़ें नहीं खानी, अनार का जूस पियो वो ठंडक देता है, वृद्ध आहार नहीं खाना, वृद्ध आहार जी जो मतलब हां वृद्ध आहार नहीं खाना, नहीं खाना, वो सब चीज़ें मैंने फॉलो करनी शुरू करी। बेल उन दिनों थी सीज़न में, बेल इनटेक लिया तो ये चीज़ें, और मिल्क बिल्कुल बंद कर दिया, मिल्क का भी नहीं बताते एलोपैथी वाले ना, बिल्कुल नहीं बताते, तो आई वॉज हैविंग मिल्क क्योंकि इफ़ आई एम नॉट एबल टू ईट एनी थिंग आई थॉट कि चलो लेट्स हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड देन यू आर ओके विद इट। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, आई फाइंड नो इट्स वर्किंग, एटलीस्ट बनाना खाना शुरू कर दिया। फिर मैं यहाँ आई सर के पास, फिर मैंने अपना वो डाउट भी बताया उनको कि सर मुझे ना ये लगता है कि गर्मी ना हो जाए ये मेडिसिन खा के, सर ने फिर वो भी क्लियर किया कि नहीं हम आपको मेडिसिन ही वो देंगे जो आपको गर्म नहीं करेंगी। अच्छा जब आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली से यहाँ आना और उस दौरान आपको मोशन जारी थे, वो पीरियड बहुत मतलब टफ होगा? बहुत टफ था, मैं मेडिसिन लेके निकली तो फिर, और फिर यहाँ के जो उन्होंने मतलब बोलते थे कि आपको SOS लेनी है तो अगर ज़्यादा हो तो 3 टाइम लो, कम हो तो सुबह शाम लो, तो मैं वो 3 टाइम वाला फिर सिस्टम किया उस दिन। तो यहाँ आके अपने डॉक्टर चौहान को सारा अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जो दिखाई, तो क्या फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था उनका? इट वॉज वेरी गुड, रादर हम लोग बहुत घबराए हुए थे एंड सबके सामने वो कंसल्ट करने में भी मुझे थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी कि मैं, मुझे नहीं पता था कि लाइक ईच नेक्स्ट पर्सन इज़ फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो और वी वर लाइक क्वाइट वरिड कि अब ये कैसे ठीक होगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो सर ने बहुत हमें काम किया पहले तो कि ये कुछ नहीं है, सबको होता है, ये क्योरेबल है, डोंट वरी दिस इज़ क्योरेबल। तो ये सुन के ही ना मतलब उसी समय ऐसे लगा कि लाइक आधी प्रॉब्लम तो गई, ये मेक यू रिलैक्स समवेयर हियर, हाँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी, हो सकती है, डोंट वरी आपको हो जाएगा ठीक, हमारे पास है ऐसी चीज़ें जो हम वर्क ऑन करती हैं आपकी बॉडी पे। तो वो सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्ट की बात, माइंड बहुत रिलैक्स हुआ। फिर सर ने मेडिसिन सी, मैंने खानी शुरू करी, परहेज़ उन्होंने और बताए जो बताते हैं सर, काढ़ा एंड ऑल वो सब लेना स्टार्ट कर दिया एंड नाउ आई एम क्वाइट हेल्दी दैट वे। अच्छा जो आपने दवाइयाँ इनसे ली थी और जब लेके चले गए आप इनसे, तो कितने समय बाद आपको लगा कि कुछ अब मेरे को कुछ फ़र्क पड़ने लगा, क्योंकि पहले तो आपको आराम आ ही नहीं रहा था? मुझे ऑलमोस्ट लगा 1.5 मंथ, 1.5 महीना लगा, जो पहले महीने मैंने स्टार्ट की तब मैं साथ साथ एलोपैथी भी ले रही थी, तो सर ने कहा भी था एकदम मत छोड़ो, स्टीरॉयड मैंने कभी नहीं लिए, मुझे एक सैजो मेडिसिन देते थे वो मैं लेती थी, तो वो साथ साथ मैं ले रही थी कुछ टाइम में, वो फिर 1.5 महीने बाद मैंने थोड़ी कम करनी शुरू कर दी कि अब कम ही कम खाओ, देखते हैं कैसा मुझे बेटर लगेगा। फिर मुझे थोड़ा बेटर लगना शुरू हुआ, 2 महीने बाद फिर और ठीक हुआ, तो आज मुझे लेते हुए यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5 मंथ हो गया है एंड माय प्रॉब्लम इज़ 50% क्योर।
तो मतलब आप दिन में जैसे 15 या 20 बार जाते, तो उसमें आधा रह गया, वो मोशन अभी भी हो रहे हैं? मोशन अब मैं जाती हूँ 4 to 5 टाइम ओनली। ओके, तो ब्लड कभी आता है, ऑन एंड ऑफ आता है मुझे। तो सर ने भी मुझे आज ही मेरी बात हुई है तो सर ने बोला अनदर 3 months एंड आई थिंक इट शुड बी क्योर्ड 100%। जी, आज मुझे बताया सर ने। अच्छा। तो आप बता रहे थे कि आप डायबिटिक भी हैं, तो डॉक्टर चौहान ने उसको भी अब श्योर किया कि वो भी क्योर होगा सर? अभी सर ने मेरी डायबिटीज़ की कोई मेडिसिन शुरू नहीं की है, क्योंकि अभी इसी का सेट है खाने के लिए। तो सर ने बोला अभी नेक्स्ट टाइम प्रॉब्ली वी कैन स्टार्ट योर डायबिटीज़ मेडिसिन। अभी मैं डायबिटीज़ की कोई भी टेबलेट नहीं ले पा रही हूँ। अच्छा, एक बात बताएं कि क्या डायबिटीज़ आपको कब हुई थी, और डायबिटीज़ तो नहीं इसका एक कारण निकल के आ रहा पीछे? आई हैव नो आइडिया फॉर दैट। बस ये था कि सर मैं जब भी डायबिटीज़ की टैबलेट खाती थी ना, तो वो मेरा पेट ख़राब होता था। आई यूज़ टू फील इट इज़ नॉट, यू नो, माई बॉडी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट। सो आई टू गो अगेन एंड अगेन टू द माई डॉक्टर एंड से मुझे मेडिसिन सूट ही नहीं कर रही है। तो वो चेंज करके देते थे मेडिसिन, पर मुझे नहीं सूट होती थी वो मेडिसिन। फिर ये होता है कुछ टाइम खा लिया, 10 दिन खा लिया, फिर मैं खुद ही उसको स्टॉप कर देती थी। तो वो डायबिटीज़ की टैबलेट ही नहीं मुझे कभी सूट करी। अभी आप बिल्कुल नॉर्मल हैं? डायबिटीज़ है मुझे, नहीं दूसरा अल्सर। हाँ जी, मुझे 50% है, रिलीफ है। तो आप 50% ठीक हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि बिलीव इन आयुर्वेदा, डू कम हेयर, टॉक टू द डॉक्टर, द टीम एंड डॉक्टर इज़ वेरी नाइस। आप मेडिसिन ले भी जाते हैं और फिर भी आपको लगता है कि आपको अभी कुछ पूछना रह गया है, आप यहाँ कॉल कीजिए, दे सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड द मेडिसिन आर टू गुड, गो थ्रू इट, फॉलो देयर डाइट, डाइट प्लेज मोस्ट ऑफ द रोल इन विद देयर मेडिसिन। सो डू कम हेयर, चेक इट आउट, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, वेरी नाइस टीम। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। तो ये थे हमारे ऐसे मेहमान जिन्होंने हमें अपना एक ऐसा तजर्बा साझा किया है जो आप समझ सकते हैं इनकी जो पोजीशन थी वो कैसी रही होगी। तो डॉक्टर विक्रम चौहान से बात की, दवाई शुरू की, और उनको 1.5 महीने बाद ही वो रिज़ल्ट मिला जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतने लोगों के पास पहुँचेगी, और किसी एक को भी ये हल मिल गया तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे तो इजाज़त, धन्यवाद।